बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद परमात्मा संशय ब्राह्मणी सदगुरु बंदी छोड़ कबीर श्याम जी महाराज जगत गुरु आचार्य सदगुरु गरीबदास जी महाराज परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरे गुरुदेव जी महाराज एवं सदगुरु के प्यारे संत कबीर साहब जी फरमाते हैं, कबीरा ये तन जात है सके तो ठाहर लाए, कह सेवा कर संत की कह गोविंद के गुण गाए। सदगुरुदेव जी चेतावनी भी दे रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि मानव शरीर मिला है, दिन प्रतिदिन इसकी आयु घटती जा रही है। हम सोचते हैं जिस दिन से पैदा हुए बड़े होते जा रहे हैं, बल्कि छोटे होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। हो सकता है तो इसका कल्याण कर लो, प्रतिदिन आयु घट रही है। क्या करना है, कह सेवा कर संत की कह हरि के गुण गाए। या तो किसी सदगुरु की संत की सेवा करो, क्योंकि सेवा परम धर्म है, सेवा से कल्याण हो जाता है। या गोविंद के गुण गाए, या परमात्मा का गान करो, उसका नाम सुमरण करो। नहीं तो देखिए, जब से हमने जन्म लिया केवल शरीर को ही खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, छका रहे हैं, सजा रहे हैं और इसका ही पालन कर रहे हैं, शरीर को सुला रहे हैं। सारी क्रिया अगर शरीर की करते रहे तो शरीर तो एक दिन जाना है, आत्मा के लिए क्या किया। परमात्मा की भक्ति सुमरण सेवा सत्संग ये आत्मा का भोजन है, इससे उसका पोषण होता है। इसलिए व्यक्ति जीवन में अधूरापन महसूस करता है जिसके जीवन में ये कल्याण का रास्ता नहीं है। इसलिए सदगुरु जी फरमाते हैं, कबीरा गुरु की भक्ति करे तज विशारस तोजे, बार बार नहीं पाइए मानुष जन्म की मोज। कितना सुंदर कहते हैं, मोज मिली है मनुष्य चोले की, किसी चोले में ये मोज नहीं है। इतना सुंदर भोजन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, संतों की शरण मिली है, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, भगवत चिंतन कर सकते हैं। लेकिन बेचारे जो पशु पक्षी वो कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते। सदगुरु कहते थे मौज मिली है, इस मौज में खो मत देना। ये सदगुरु की गुरु की भक्ति के लिए चोला मिला है, विश्व के जो चोज है ना चोचले, तो थोड़े दिन के हैं, ज्यादा ठहरने वाले नहीं है, क्षणिक आनंद है, इनको छोड़ देना। तज विशारस चोज, हमारी इंद्रियां शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन विषयों के में फंसी हुई है, ये चोचले हैं थोड़े दिन के, इनको छोड़ देना। इसलिए सदगुरु की भक्ति करना, बार बार ये मौज नहीं मिलेंगे। इसलिए सदगुरु जी कहते हैं, एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछोहे, राजा राणा छत्रपति सावधान क्यों ना होए। भाई एक समय ऐसा भी आएगा, संसार में कुछ दिन के खेलने के लिए आए हैं, परमात्मा ये खेल भी खत्म करेगा, सबसे बिछो होगा। यहाँ संयोग भी है, योग भी है, या मिलना भी है, बिछड़ना भी है। तो यहाँ सब मिले हैं, लेकिन उस दिन को भी मत भूलना है, एक दिन यहाँ से धरती से विदा भी होना पड़ेगा। इसलिए राजा राणा छत्रपति से राजा हैं, बड़े बड़े महाराणे हैं और रानियां हैं, छत्रपति सम्राट हैं, उनको सावधान होना चाहिए कि यहाँ क्या करने आए थे। एक दिन बिछड़ना होगा, अच्छी करनी करे, क्योंकि परमार्थ से हमारा कल्याण हो सकता है। ऐसा नहीं केवल भजन भजन करना, परमार्थ भी करना है। परमार्थ से सदगति होती है, ऊंचे लोकों में हमारा गमन होता है और व्यक्ति संसार से चला जाता है, पर उसका यश रह जाता है। आज कबीर का यश है, गुरु नानक साहब का, सदगुरु गरीबदास जी का, मीरा का, ध्रुव प्रहलाद का, जिन्होंने अच्छे काम किए उनका यश आज भी संसार में। परमार्थ से कल्याण का रास्ता खुल जाता है। एक बार
महाराजा रणजीत सिंह जो पंजाब के बहुत बड़े राजा थे, अपने सैनिकों के साथ किसी गांव से गुजर रहे थे। लाओ लश्कर साथ में था। देखा थोड़ी दूर रास्ते में गए, सिर में आगे नोकीला पत्थर लगा, और जैसे ही पत्थर लगा तो माथे से खून बहने लग गया। अब सैनिकों को बड़ा गुस्सा आया, कौन है ऐसा हिम्मत कर सकता जो राजा के सिर में पत्थर मारा। अस्त्र शस्त्र तान लिए आगे चले तो एक पेड़ के नीचे बुढ़िया और उसका बेटा था, कुछ बच्चे खेल रहे थे। कहे पत्थर किसने मारा? बेचारे कांपने लगे, तुझे पता नहीं है ये राजा है, अरे के सिर में पत्थर मार दिया। कहेंगे क्यों मारा? कहेंगे महाराज मेरा जो बेटा है ना, ये भूख लगी हुई थी और इस पेड़ पे आम के फल लगे हुए थे, मैं पत्थर मार के आम का फल तोड़ रही थी, ना कि मैंने राजा के मारा। ये तो भूल से आप आगे आगे और पत्थर उसके लग गया, मैं तो पेड़ पर मार रही थी आम के फल तोड़ने के लिए। तो सैनिक सोचने लगे इसको क्या सजा दे, अब राजा है, राजा को कोई पत्थर मारे इन हाथों से मारा तो एक सैनिक ने कहा इसकी हाथ कटवा देते हैं, किसी ने कहा जेल में डलवा देते हैं, किसी सैनिक ने कहा इस बच्चे के हाथ पैर बंधवा के और इसकी पिटाई कर देते हैं। महाराजा बैठे हुए खड़े खड़े सुनते रहे, सोच रहे थे पता नहीं इसको क्या सजा मिलेगी। तो अपने सैनिकों को कहा दो टोकरी फल कड़वाई और उस बुढ़िया माता के घर भेज दिए, वो भी डरी हुई थी। तो सैनिक कहने लगे महाराज ये किस लिए भेज रहे हो, पुरस्कार दे रहे हो या सजा दे रहे हो? बड़े विचारवान थे राजा, उन्होंने कहा क्योंकि गुरु नानक साहब की धरती है, शायद कोई इंसान होगा इस धरती पे जिनके कानों में कह कबीर सुनो भाई साहब दो, या तो एक अनपढ़ व्यक्ति ने भी आदिवासी इलाकों में भी सुनी होगी कबीर की बाणी और गुरु नानक साहब की मीरा बाई की, शायद कोई कान बाकी होगा धरती पर जिन्होंने इनकी बाणी ना सुनी होगी, चाहे एक आंकड़ा को ना सुना हो। तो उन्होंने पता था गुरु नानक साहब कितने दयालु महापुरुष थे, सेवा करते थे, और सिखों में तो वैसे ही सेवा धर्म बहुत ज्यादा है। बड़े बड़े ऑफिसर जाकर देखोगे ना गुरुद्वारों में, सुबह जूते साफ करते मिलेंगे, लेटरिन बाथरूम साफ करते मिलेंगे, झाड़ू लगाते बर्तन करते, कोई मैं नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, बस गुरु घर की सेवा करनी है। पद पद को पार छोड़ जाते हैं, बस एक पद है सतगुरु का पद, उनकी सेवा करते हैं। इसलिए जब आश्रम में जाओ गुरुद्वारे में जाओ गुरु के द्वार पर जैसे आप आए हो आधीनगी से नम्रता से सेवा करो। तो महाराजा रणजीत सिंह ने कहा जब एक पेड़ पे पत्थर मारने से वो आम का फल दे सकता है तो क्या इंसान होकर मैं इसको सजा दूं? क्या मैं फल नहीं दे सकता हूं? मैं इस पेड़ से जो जड़ है इससे भी गया गुजरा हूं। तो दो टोकरी भर के फल उसके घर पहुंचाए, उसकी गरीबी दूर की, उसको बहुत सारा धन दिया। सज्जन महापुरुष क्या करते हैं, वो कोई बुरा भी करे उसके बदले भी पत्थर के बदले भी आम दे देते हैं। रहीम जी लिखते हैं तरवर फल नहीं खाते हैं सरवर पियत न पानी, कह रही पर काजित संपत्ति सचे सुजाने। पेड़ पे फल लगते हैं, लेकिन कभी देखा किसी पेड़ को फल खाते हुए अपने फल खा रहा हो दूसरे को दे देता है? नदी जो है वो सारा जल दूसरे को पिला देती, खेती की सिंचाई कर देती, खुद नहीं पीती है। सज्जन व्यक्ति भी धन जो संचय करता संसार में संपत्ति ऊपर काज हित दूसरे के हित के लिए, और जो दूसरे का हित करता है ना उसका हित तो परमात्मा खुद कर देता है। यहाँ हम जैसा भी कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है, इसलिए करनी अच्छी हो, दूसरा सदगुरु का नाम हो, परमात्मा की भक्ति हो, उसका जीवन सफल हो जाता है। इस धरती से विदा हो गए तो ये सुमरणी बिने अवसर जात चले, सुमरणी अवसर जात चले, साहेब बिने सर जात चले, बंदे सतगुरु बिने अवसर जात चले, हे बिन मारी जैसे बाग सूख जा, बिन मारी
क्षमा संतोष जपे तन आवे, क्षमा संतोष जपे तन सकल व्याध तब जात टली, सकल व्याध जात टली सुमरण बिन अवसर चली, बंद सुमरण बिन अवसर की पाचो तरत विचार के देखो, पाचो विचार के देखो दिल की दूर मत दूर करी, दिल की दूर मत करी बंद सुमरण बिन अवसर जात चले, साहिब बिन अवसर के कह कबीर सुनो सकल कामना छोड़ चली, सकल कामना छोड़ चली सुमरण बिन अवसर जात ली, बंद साहिब बिन अवसर ली प्यारे सतगुरु बिन अवसर जात ली सुमरण बिन अवसर जात चले। बोलिए सतगुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान।